क्या आप अपने हाथ को एल्बो में से इस तरीके से सीधा करते हो, या फिर हाथ को दबा के खड़े होते हो, या फिर कोई भी चीज़ को आप पुश करते हो, आपको एल्बो के पीछे सीवियर दर्द होता है और आप इनका इलाज करना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसी एक्सरसाइज सिखाने वालों के जिनके जरिए आप यह सभी तकलीफों में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। तो यह सभी तकलीफें होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है ट्राइसेप्टल टेंडनाइटिस। हमारा जो ट्राइसेप मसल होता है वह शोल्डर से पीछे से निकल कर जो एल्बो होता है वहां पर जो उभरी हुई हड्डी होती है वहां पर अटैच होता है। इनके ऊपर यहां पर ट्राइसेप मसल का टेंडन होता है। अगर आपकी रूटीन एक्टिविटी एल्बो को बार बार एक्सटेंड करने वाली होती है, जैसे कि हैमरिंग करना, पुशअप्स करना या फिर थ्रोइंग करना, तो यहां पर जो यह ट्राइसेप का टेंडन होता है वहां पर रिपीटेटिव स्ट्रेस आता है, इनके फाइबर ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाते हैं, वहां पर इंफ्लेमेशन होता है, सूजन आती है, फिर आपको दर्द शुरू हो जाता है। इनको ही ट्राइसेप्टल टेंडनाइटिस बोला जाता है। तो शुरुआत में आपको राइस फॉर्मूला फॉलो करना होता है, यानी कि रेस्ट देना है, आइस करना है, कंप्रेशन देना है, यानी कि यहां पर आप क्रैप बैंडेज बांध के कंप्रेशन दे सकते हो। हाथ को एलिवेटेड पोजिशन में रखना है। इनके बाद फिर आपको 3 स्टेप की फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट शुरू कर देनी है। स्टेप 1 में मसल को रिलीज करना है, स्टेप 2 में मसल को स्ट्रेच देना है, स्टेप 3 में मसल को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो आप कंप्लीटली यह ट्राइसेप्टल टेंडनाइटिस का इलाज घर पर ही कर सकते हो। आगे हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 डिटेल में आपको सिखाया था। इस वीडियो में आपको हम स्टेप 3 यानी कि मसल को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना है वह सिखाने वाले, तो इनको डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ है डॉक्टर दीनल। यहाँ पर जो पहली एक्सरसाइज करनी है इनको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोला जाता है। तो यहाँ पर हमें हाथ की इस तरीके से फिस्ट बना लेनी है। इनके बाद फिर हमें फिस्ट को इस तरीके से बेड के ऊपर दबाव देना है। यहाँ पर जो ट्राइसेप मसल है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन आपको फील होगा, वहाँ पर आपको स्ट्रेस फील होगा, 10 काउंट होल्ड। इनके बाद इनको रिलैक्स करना है, वापस से फिस्ट को दबाइए, ट्राइसेप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करिए, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद रिलैक्स। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की दूसरी एक्सरसाइज के लिए हमें इस तरीके से उल्टा लेट जाना है। फिर जिस साइड का आपका ट्राइसेप मसल डैमेज हुआ है वह हाथ को हमें इस तरीके से सीधा कर देना है। फिर हमें फिस्ट बना लेनी है। इनके बाद फिर हमें एल्बो को स्ट्रेट रखना है और शोल्डर में से हाथ को इस तरीके से पीछे की साइड पर उठाना है, इस तरीके से ऊपर लाइए, फिर नीचे लेना है। शुरुआत में आपको यह एक्सरसाइज बिना वेट के करनी है। इनके बाद फिर आप लाइट वेट से यह एक्सरसाइज कर सकते हो। एल्बो को लॉक करना है, फिर आपको शोल्डर में से हाथ को इस तरीके से उठाना है, 10 से 15 रिपीटेशन करना है। इनके बाद फिर आपको हाथ को थोड़ा सा इस तरीके से बाहर निकाल देना है। यहाँ पर हमें शोल्डर को लॉक कर देना है, शोल्डर को मूवमेंट नहीं देनी है, एल्बो में से हाथ को सीधा करना है, इस तरीके से हाथ को ऊपर लेना है, फिर हाथ को इस तरीके से नीचे लेना है, ऊपर नीचे करना है। यहाँ पर भी आप शुरुआत में बिना वेट के करिए, इसके बाद फिर वेट के साथ आप यह एक्टिविटी कर सकते हो। इनके बाद फिर हमें हाथ को इस तरीके से बॉडी के परपेंडिकुलर रख देना है। यहाँ पर हमें आर्म को स्टेबल रखना है, इनको सपोर्टेड रखना है। इनके बाद फिर हमें एल्बो में से हाथ को इस तरीके से ऊपर उठाना है। तो यहाँ पर भी आप वेट के साथ यह एक्सरसाइज कर सकते हो, इस तरीके से हाथ को एल्बो में से स्ट्रेट करना है। इनके बाद फिर हमें क्रॉल पोजीशन में आ जाना है, यानी कि 2 हाथ और 2 नी के ऊपर ऐसे सपोर्ट लेना है। फिर आपको यहाँ पर जो एल्बो है इनको इस तरीके से टाइट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो ट्राइसेप मसल है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। इनके बाद थोड़ा सा इनको रिलैक्स करना है, वापस से एल्बो को स्ट्रेट करिए, टाइट करिए, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद रिलैक्स करना है, इस तरीके से 10 से 15 रिपीटेशन करना है। इनके बाद फिर हमें एल्बो में से थोड़ा सा हाथ को बेंड करना है, इस तरीके से बेंड करिए, फिर हाथ को इस तरीके से सीधा करना है, वापस से बेंड करिए, दोनों हाथ को साथ में हमें बेंड करना है, फिर ऊपर आना है, 10 से 15 रिपीटेशन करना है। इनके बाद फिर हमें लेट जाना है, फिर हमें इस तरीके से हाथ में वेट लेना है, फिर हाथ को हमारे शोल्डर के ऊपर सीधा ऊपर उठाना है, फिर नीचे लाना है, इस तरीके से ऊपर नीचे मूवमेंट करनी है। तो यह हमारी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज हो जाती है। यहाँ पर हमारे चेस्ट मसल, हमारे डेल्टोइड मसल और ट्राइसेप मसल साथ में वर्क करेगा। इनके बाद फिर हमें इस तरीके से हाथ को पीछे लेना है, हाथ को ऊपर करके पीछे लेना है। यहाँ पर हमें आर्म को स्टेबल रखना है और एल्बो में से हाथ को इस तरीके से सीधा
करना है तो यह एक्सरसाइज भी आप वेट के साथ कर सकते हो। इस तरीके से आर्म को स्टेबल रखना है और एल्बो में से हाथ को ऊपर उठाना है। इसके बाद फिर हमें इस तरीके से हाथ को घुमा देना है और अपोजिट शोल्डर की डायरेक्शन में हाथ को बेंड करना है और ऊपर लेना है। यह एक्सरसाइज भी आप वेट के साथ कर सकते हो। इस तरीके से ऊपर नीचे 10 से 15 रिपीटेशन करना है। अब यह सभी एक्सरसाइज को वापस से रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पर शुरुआत में हमें फिस्ट बना लेनी है और फिर फिस्ट को नीचे दबाना है, एल्बो को टाइट करना है। इनके बाद फिर हमें उल्टा लेट जाना है, फिर हमें एल्बो को लॉक करना है और शोल्डर में से हाथ को इस तरीके से ऊपर उठाना है। इनके बाद फिर हाथ को थोड़ा सा बाहर निकाल देना है। यहाँ पर हमें शोल्डर को लॉक रखना है और एल्बो में से हाथ को इस तरीके से ऊपर उठाना है। इनके बाद फिर हाथ को हमें बॉडी के परपेंडिकुलर रख देना है, आर्म को सपोर्टेड रखना है। इनके बाद एल्बो में से हाथ को ऊपर उठाना है। इनके बाद फिर हमें क्रॉल पोजिशन लेनी है। तो पहले यहाँ पर स्टेटिक मूवमेंट करनी है, यानी कि एल्बो को हमें स्ट्रेट करना है, अच्छी तरीके से टाइट करना है। उसके बाद रिलैक्स करना है, फिर हमें डायनेमिक मूवमेंट करनी है, यानी कि एल्बो को इस तरीके से बेंड करना है, फिर सीधा करना है, 10 से 15 रिपीटेशन करना है। इनके बाद फिर हमें सीधा लेट जाना है। पहले हमें इस तरीके से कॉम्प्लेक्स मूवमेंट करनी है, शोल्डर के ऊपर हाथ को इस तरीके से ऊपर उठाना है। इनके बाद फिर हमें इस तरीके से हाथ को पीछे लेना है, यहाँ पर आर्म को स्टेबल रखना है और एल्बो में से हाथ को इस तरीके से सीधा करना है। फिर हमें इस तरीके से हाथ को घुमा के अपोजिट शोल्डर की डायरेक्शन में हाथ को इस तरीके से ऊपर नीचे करना है। तो इतनी एक्सरसाइज हमें करनी है। तो यहाँ पर हमने जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आपको सिखाई, इनके जरिए आप ट्राइसेप्स टेंडोनाइटिस का इलाज बहुत ही आसानी से घर पर ही कर सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।